लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी, LBS कॉलेज हरदा, आप सभी का एजुकेशन वीडियोस में स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कम्युनिकेशन स्किल और हमारा टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन लेटर। स्टूडेंट्स, UG और PG से हम हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर के नाम से पुकारते हैं। इन दोनों शैक्षणिक डिग्रियों को लेने के बाद विद्यार्थी या स्टूडेंट के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती होती है और वो ये जॉब। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को क्रिटिकल माना जाता है तो वो जॉब पाना। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें जॉब को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए कैसा एप्लीकेशन लेटर तैयार किया जाता है। सो स्टार्ट द टॉपिक ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर। ओके स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट स्लाइड, टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर, मीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर। सो इंट्रोडक्शन, जैसे स्टूडेंट की स्टडी कंप्लीट होती है उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, हाउ टू राइट ए जॉब एप्लीकेशन लेटर। या तो वो किसी फ्रेंड की कॉपी करता है, किसी बड़े व्यक्ति से अपना रिज्यूम या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर क्या हम अपने हाथ से खुद जॉब एप्लीकेशन लेटर बना सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपने हाथ से स्वयं बिना किसी का सहयोग लिए जॉब एप्लीकेशन लेटर तैयार कर सकते। मेरी सेकेंड स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। ए जॉब एप्लीकेशन लेटर इज एन एप्लीकेंट ए फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ ए प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। इस लाइन में ये कहा गया है कि जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है वो किसी भी कैंडिडेट का या एप्लीकेंट कैंडिडेट का पहला कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन इन योर लाइफ। हमारी जिंदगी में किसी भी नए व्यक्ति को हम जब पहली बार मिलते हैं तो ऐसे मिले, चाहे राइटिंग मोड पर मिले चाहे ओरल मोड पर मिले, लेकिन जब हम पहली बार मिले तो उस इंसान को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हम किसी से मिले थे। आगे बढ़ते हैं, इट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच स्पीक अबाउट द एप्लीकेंट एंड हिज स्टेबिलिटी फॉर द जॉब। ये पूरी जो इंट्रोडक्शंस की लाइन है इसमें मैं आपको ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो एप्लीकेंट होता है वो फर्स्ट टाइम किसी भी एम्प्लॉयर से मिलने के लिए एक लेटर इशू करता है, एक लेटर देता है, दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन लेटर। उस जॉब एप्लीकेशन लेटर में वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक फलाना फलाना या पर्टिकुलर कुछ पोस्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। और उस जॉब एप्लीकेशन के साथ वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि वो एम्प्लॉयर उसे अपने से मिलने के लिए, मीन्स इंटरव्यू के लिए बुलाए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स मेरा ये है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो किसी भी एम्प्लॉयर को फर्स्ट टाइम में देखकर ही अपने ओर अट्रैक्ट करता है और फिर वो हमें इंटरव्यू के लिए आगे बुलाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी जॉब एप्लीकेशन लेटर तैयार करें उसे बहुत अट्रैक्टिव और फुल इंफॉर्मेशन के साथ बनाएं ताकि आपको एम्प्लॉयर जल्दी से जल्दी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज ए जॉब एप्लीकेशन, क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ए जॉब एप्लीकेशन इज एन एम्प्लॉयमेंट फॉर्म द रिक्वेस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल्स। आप जॉब लेटर के सहायता से उसका यूज करके एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं सामने बैठे हुए अपने एक एम्प्लॉयर को। इसमें कुछ पर्पस होते हैं, जैसे कुछ पर्पस हैं, सबसे पहले शो द एप्लीकेंट इन लीगल एलिजिबल फॉर द वर्क, मतलब हम उसमें शो ऑफ करते हैं कि आपने जो पोस्ट वैकेंट की है उस पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। मिरर द टेस्ट ऑफ एप्लीकेंट, लिटरेसी, बहुत माइनर एक बहुत ही ज़्यादा वहीं पर कैंडिडेट की लिटरेसी का एग्ज़ाम भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश में मात्राओं की या स्पेलिंग्स की मिस्टेक करते हैं
और कई बार एम्प्लॉयर जो होते हैं इन सब चीजों को पकड़ लेते हैं। मेनी रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर यूज द बैकग्राउंड चेक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली जानी चाहिए रहती है जो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें देखता है एक एम्प्लॉयर। लर्न एप्लीकेंट इज अवेलेबिलिटी, मतलब आपको जब जॉब एप्लीकेशन आप लिखते हैं या बनाते हैं और एम्प्लॉयर को देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ जॉब एप्लीकेशन में गलतियां होती हैं और बहुत से एम्प्लॉयर हमें इस चीज़ के लिए टोक भी देते हैं। हम आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर, कुछ 2 से 3 प्रकार के जॉब एप्लीकेशन प्रयोग किए जाते हैं हमारे कल्चर में। द फर्स्ट इज All the information regarding qualification, experiences and personal details give the letter. मतलब आप एक बात को ध्यान रखें कि जो पहला टाइप का जॉब एप्लीकेशन लेटर आता है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेशर शो ऑफ करें, बट आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपका एक्सपीरियंस शो ऑफ करें, और साथ ही साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स जस्ट लाइक ए नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, हमारी लैंग्वेज पे कमांड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से हम सेकेंड टाइप में पहुंचते हैं। तो ये जो रिटर्न का दूसरा भाग होता है, यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग लेटर भी इसके साथ में यूज किया जा सकता है। उसमें कई बार कैंडिडेट अपने ऑब्जेक्ट्स, अपनी एबिलिटी, अपने पर्पज को शो ऑफ करता है। इसे हम आगे चलकर इसमें साथ में कई बार कैरिकुलम वीटा और रिज्यूम जैसे पार्ट को भी यूज करते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर के साथ कई बार स्टूडेंट इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। इसे हम 3 प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला लेटर स्टाइल एप्लीकेशन, बहुत से लेटर्स अलग अलग स्टाइल में यूज किए जाते हैं जिसमें शब्दों को हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर से इंग्लिश में जब हम बनाते हैं तो हम वहाँ टाइम्स न्यू रोमन के साथ साथ में और भी दूसरी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है उसे बनाकर आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। प्रिस्क्राइब फ्रॉम द ऑफ द एम्प्लॉयर एंड कवरिंग लेटर विद बायोडाटा, मतलब वही बात आ रही है तीसरे, उसमें हम जो पूरा प्रिस्क्राइब करते हैं किसे, एम्प्लॉयर को करते हैं, और साथ ही साथ एक कवरिंग लेटर का यूज कर सकते हैं और इसमें हमारा बायोडाटा जिसे हम लोग रिज्यूम के नाम से भी पुकारते हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कुछ मेन हेडिंग्स आती हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स में कुछ मेन हेडिंग्स आती हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आती है हेडिंग, मतलब हमारे एड्रेस के रूप में आता है, नेम एंड एड्रेस आता है, और डेट आती है, उसके बाद में कंपनी एड्रेसेस आते हैं, सिचुएशंस हमारी जो पूरी रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारा एक स्ट्रक्चर पूरा जॉब एप्लीकेशन लेटर में हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये कुछ मेन पार्ट हैं जो आपको जॉब एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए। हमने एक छोटा सा वर्सेस गेम देखना चाहें, क्योंकि रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन लेटर में बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन लेटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। फर्क होता है स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहला जॉब एप्लीकेशन जो लेटर होता है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब आप उसमें अपने जॉब के लिए किसी भी ऑफिस में अपना एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, और जबकि रिज्यूम में जो होता है वो एक पूरी समरी होता है आपकी क्वालिफिकेशन का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके नॉलेज का, और इन दोनों चीज़ों को साथ में हम जोड़ सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर एक बार ही कहीं हम कहीं पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हमको कहीं यूज़ करने के लिए उसमें कंपनी नेम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, बट रिज्यूम एक बार अगर हमने मेंटेन कर लिया तो हम एक कंपनी में भी वही रिज्यूम दे सकते हैं और दूसरी कंपनी में भी वही रिज्यूम दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने में आती है कि जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है वो एक तरह से कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि रिज्यूम जो होता है वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। यदि आपने किसी जगह पर अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर डाला है और वहां से रिसीविंग ली है उसी की कॉपी पर, तो वो एक बहुत बड़ा आगे चलकर आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है तो वो कोर्ट एविडेंस बनता है, जबकि रिज्यूम में ऐसा नहीं। थैंक यू स्टूडेंट। आई होप कि जॉब एप्लीकेशन लेटर का ये छोटा सा वीडियो आप देखकर आगे अपने हाथ से आप जॉब एप्लीकेशन लेटर बना सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।